हर साल इंडिया में 4 लाख से भी ज़्यादा सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, बस सिर्फ 20% इंजीनियर को जॉब मिलती है। बट हैरानी की बात तो यह है कि कई सारे रिपोर्ट तो यह बोलते हैं कि इंडिया को आने वाले सालों में 40 लाख से भी ज़्यादा सिविल इंजीनियर की जरूरत है, बट मिल नहीं रहे। तो कुछ ज़्यादा इंजीनियर घर पर सिर्फ फटिया तोड़ते हैं और बोलते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेनी चाहिए और इसमें तो अपना कोई फ्यूचर ही नहीं है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं, इसके फ्यूचर स्कोप्स, बेस्ट कॉलेजेस, सैलरी, और ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर सिविल इंजीनियर की सबसे ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पर आपको 50 लाख से भी ज़्यादा सैलरी आपको दी जाती है, इन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यहाँ पर आपको रोड, टनल्स, पाइपलाइंस, डैम्स, ब्रिज, कैनल, हाइपरलूप स्ट्रक्चर, अपार्टमेंट्स कैसे बनते हैं उसकी नॉलेज यहाँ पर आपको दी जाती है। और एक ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। 2021 में $600 बिलियन की मार्केट थी, जो कि 2025 तक 1.4 ट्रिलियन की होने वाली है। इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी हमारे देश में स्किल्ड इंजीनियर की कमी है। आज इंडिया में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है, बट इसके लिए हमें बाहर से इंजीनियर हायर करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में स्किल्ड इंजीनियर की कमी है, जिसके सिर्फ एक रीज़न नहीं बल्कि कई सारे रीजन है। रीजन नंबर 1, इनकेपेबल इंजीनियर्स। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बीटेक कंप्लीट करने के बाद ही आराम से एक जॉब मिल जाएगी, तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है जिसमें लाखों करोड़ों में पैसे इन्वेस्ट होता है। इसलिए कंपनी फ्रेशर्स को हायर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको सब कुछ पहले से सिखाना पड़ेगा और कंपनी आपको सब कुछ पहले से सिखाने के लिए पैसा और टाइम दोनों बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए वो जॉब की रिक्वायरमेंट में एक्सपीरियंस नाम का सिंपल वर्ड्स डाल देती है, जिससे फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती। रीजन नंबर 2, नॉट फोकस ऑन एडिंग वैल्यू एंड एनहेंसिंग सॉफ्ट स्किल्स। बिल्डर्स या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक या दो इंजीनियर रखना ही पसंद करती है, क्योंकि उनका सारा काम करके दे, क्योंकि क्लाइंट, लेबर और वेंडर ये तीनों से डील करके सब काम हैंडल कर ले, जिससे बॉस को ज़्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े। इन सबको मैनेज करने के लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स होना जरूरी है, तभी आपको जॉब दी जाएगी। रीजन नंबर 3, आउटडेटेड सिलेबस। दुनिया इतनी आगे जा चुकी है और अभी भी हमको 10 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी फोकस नहीं किया जाता है। ये तो यही बात हो गई कि स्विमिंग सीखने जा रहे हो, टीचर्स बुक हाथ में पकड़ा दे, ले इसमें से सीख, और जब भी पानी में उतरने की बात आई तो डूबेंगे, क्योंकि पता ही नहीं होता कैसे हाथ हिलाने, कैसे पैर हिलाने, कैसे तैरना, राइट। इसलिए ज़्यादातर फ्रेश जब जॉब करने जाते हैं तो उनको 90% चीज़ें तो पता ही नहीं होती, और प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से बाकी की उनको खुद सीखनी पड़ती, और ज़्यादातर इंजीनियर की यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आपको अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा, जिसमें इंडिया के टॉप कंपनीज आपको प्लेसमेंट दे, इसमें आपके टॉप IITs, NITs, इसके अलावा SRM, बिट्स, पिलानी, JNU, MIT, VIT, वेलोर जैसे बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि आप सिंपली ऑनलाइन सर्च करके पता कर सकते हो और एडमिशन लेके अपना करियर सिक्योर कर सकते हो। बट अगर किसी स्टूडेंट की कॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, कोई भी कंपनी वहाँ पर नहीं आ रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि अपने आसपास की कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना है और 6 मंथ की इंटर्नशिप कर सकते हो विदाउट एनी स्टाइपेंड। सो आपको वो 90% रख ही लेगा, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको खुद ही वो जॉब दे देगा और अच्छी सैलरी भी देगा। साथ ही साथ आपको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स पर भी ध्यान देना है, जिससे आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिले और अच्छी से अच्छी सैलरी आपको मिल पाए। कितनी तो एक फ्रेशर्स की सैलरी 2.5 से 4 लाख तक की होती है। शुरुआत में सैलरी कम होती है, बट जितनी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतनी सैलरी आपकी बढ़ती जाती है, और ये सैलरी 20 लाख प्लस भी जा सकती है इंडिया में। और ऐसे भी कंट्री है जहाँ पर आपको 50 लाख प्लस आपको सैलरी दी जाती है, जिसमें स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी जैसी और भी कई सारी कंट्री है जहाँ पर सिविल इंजीनियर की ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी अच्छी सैलरी वहाँ पर आपको दी जाती है। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।